एपिसोड स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरी पिछली वीडियो पे 77 एंड 82 लाइक आए, इसका मतलब आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इसलिए सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। हम इस वीडियो पे भी कुछ लाइक एम रखेंगे, उससे पहले मैं कुछ लोगों को शाउट आउट देना चाहता हूँ जिनने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। अविनाश सिंह, यश कुर्मी, आई एम मॉन्स्टर, पॉकेट मॉन्स्टर AWM एंड कल्पना द्विवेदी, सेकंड नेम आई थिंक शुभम है। स्टार्टिंग से आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आपसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। एंड स्पेशली शाउट आउट देना चाहता हूँ प्रत्याक्ष को। और हाँ, मैं एम की बात कर रहा था, उससे पहले आपको बता दूं, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करता हूँ कि मैंने एम रखा है तो उससे पहले वीडियो नहीं आएगी। वो तो कल संडे था और सरकारी छुट्टी रहती है, आपको पता ही है, इसलिए एक दिन का तो रेस्ट बनता है यार। इस वीडियो पे भी हमारा लाइक एम है 85 लाइक का। आप सोच रहे होंगे थोड़ा ज्यादा है, बट इतना नहीं है यार, क्योंकि 77 तो अभी हो ही चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो पे थोड़ा सा ही ज्यादा है, क्योंकि अगर कल तक आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो मैं आपके लिए 2 एपिसोड लाऊंगा कल। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीटो बोलता है अगला नंबर तुम्हारा है, चलो मजे लेते हैं। कोहना अपने डैड को देख रही होती है, नोएल्स लक मैग्मा और आस्था को देखते हुए बोलती है कि ये इतने आसानी से हार गए, क्या ये इतना ताकतवर है। वीटो हंसने लगता है, अचानक से आस्था हिम्मत करके उस पर अटैक करने लगता है, मगर वीटो अपने हाथ से आस्था को दूर फेंकते हुए बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। कोहना अपने सॉन्ग मैजिक की मदद से बहुत तेजी से चिल्लाती है, जिससे एक बड़ी सी बॉल सी बन जाती है और आस्था उसमें गिर के सुरक्षित हो जाता है। नोएल्स कोहना से शुक्रिया बोलती है, कोहना बोलती है 1000 रुपए लगेंगे। नोएल्स बोलती है इसके लिए मैं तुम्हें 100 गुना दूंगी। नोएल्स बोलती है जैसे तुमने आस्था को ठीक किया था वैसे ही तुम अपने सॉन्ग मैजिक से सभी को ठीक कर सकती हो। कोहना बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये करने देगा। तभी कीड़ो की तरफ से एक पत्थर गिरता है, कोहना जोर से चिल्लाने लगती है सुनो भैया सोना बंद करो, हमें डांसर और सिंगर बनने का सपना पूरा करना है, हम एक स्टार बनेंगे क्या आप भूल गए। कीड़ो बोलता है हाँ तुमने सही कहा। फिर कीड़ो मीटो की तरफ देखते हुए बोलता है अगर मैं इसका हमला नहीं रोकता अपने मैजिक से तो मेरी गर्दन उड़ा देता, सच में वो बहुत ताकतवर है। लेकिन कोहना बोलती है हमें एक स्टार बनना है। कीटो बोलता हाँ बिल्कुल हम आराम भी कर सकते हैं चलो फिर। कोहना गाना गाने लगती है, कीटो अपना डांस करने लगता है, वो अपना कॉम्बो स्पेल पढ़ते हैं टी गॉड स्लैश सॉन्ग और डांस कॉम्बो स्पेल। कीटो बहुत स्पीड में वीटो की तरफ जाता है और उस पर अटैक करता है, मगर वीटो अपनी एक शील्ड सी बना लेता है उससे रोक देता है, बट वीटो के हल्का सा कट गर्दन पे लग जाता है। नोएल्स बोलती है तो सच में कमाल है। कीटो वीटो के ऊपर अटैक करने लगता है, वीटो देखता है जो उसके हाथ पे शील्ड होती है उस पे थोड़ा सा कट लग जाता है। फिर पंडित बोलता है कि उनने बचपन से मेहनत की है वो कर सकते हैं। कोहना गाना गा रही होती है, कीटो बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है। कोहना बोलती है नहीं हम ऐसे अमीर नहीं बन सकते हैं। कीटो बोलता है हाँ तुमने सही कहा हम एक दिन स्टार बनेंगे। कोहना बोलती है हमें डांस गाने से सी ड्रैगन को खुश करना होगा। कीटो और कोहना के डैड देख रहे होते हैं और उसके दादाजी देख रहे होते हैं। पंडित बोलता है तुम्हारी मेहनत काम में आएगी। कीटो बोलता है एक चूहे और चिड़िया के गाने में इतनी ताकत, सच में ताकतवर जादू है। कीटो बोलता है ये हमारी मेहनत है, हमने बचपन से ही नाच गा के सी ड्रैगन की पूजा की और बचपन से सिर्फ जादू का यूज किया, ये जादू हमारा है और हमारे लोगों को जोड़ता है। कीटो ऊपर की तरफ उछलता और एक जबरदस्त अटैक करता है। नोएल्स बोलती है क्या हम जीत गए। धुएं के अंदर से वीटो निकलता और बोलता है क्या तुम कुछ कह रहे थे। कीटो वीटो के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, बट उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक हाथ से ही रोक लेता सबको। कीटो उस पे फिर से अटैक करता है, मगर वो वहां से गायब हो जाता है और उस पे एक अटैक करता है जिससे कीटो की टांग कट जाती और वो पीछे आ जाता और उसे एक पंच मारता जिससे वो दवाल करके घुस जाता है। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। पंडित बोलता है कीटो, अचानक से पंडित बोलता है कोहना भागो। कीटो भागते हुए आ रहा होता है और बोलता है कि सपने रिश्ते निभाओ के बारे में बात करने की तुम्हें कोई हक नहीं है, और कोहना की गर्दन पे अटैक करता है जिससे उसके मुंह में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। नोज जोर से चिल्लाती है कोहना। पंडित ये देख के चौंक हो जाता है और अपनी ग्रीम वॉन्ड निकाल के स्पेल पड़ता है। गेम मैजिक मॉन्स्टर टॉय दो बहुत बड़ी सी फिश आ जाती हैं और वीटो पे अटैक करने लगती हैं, बट वीटो दूर से उन सभी पे अटैक कर देता है और मार देता है। वीटो बोलता है तुम सपने और सिर्फ रिश्तों को जानते हो, हम आईज ऑफ द मिडनाइट सन, हमें सिर्फ हमेशा दुख मिला है, हमारे सपने और खून के रिश्ते। पंडित बोलता है ये क्या बोल रहा है मॉन्स्टर कहीं का। वीटो बोलता है कभी अब तुम नाच गा नहीं सकोगे तुम्हें कैसा लगा। कोहना वीटो की तरफ देख रही होती है, वीटो बोलता है मेरे को आंख दिखाती है लगता है तेरे सारे पंख काटने पड़ेंगे, बिना गाने की चिड़िया का कोई काम नहीं है।
वीटो उसे मारने वाला होता है, तभी नोल्स उसे रोक देती है, बोलती है रुक जाओ। वीटो नोल्स को बोलता है क्या तुम मुझे बातों से रोकने वाली हो। नोल्स सोच रही होती है अगर मैं चूक गई तो कोहना मेरा हमला पहले भी नहीं लगा था, और हमला लगा भी तो क्या उसका कोई असर होगा। अचानक से वीटो अपनी आंखों को बड़ी करने लगता है, नोल्स ये देख के डर जाती है। वीटो बोलता है तो तुम कुछ नहीं करोगी तो वहीं पे खड़ी होके देखो। वीटो कोहना के कंधे पे कस के दबाने लगता है। नोल्स ये सब कुछ देख रही होती है। नोल्स बोलती है सबों के चोट लगी थी फिर भी सबों ने लड़े। नोल्स सोच रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अचानक से एक आवाज आती है, कोई बात नहीं। नोल्स बोलती है कोहना। कोहना नोल्स से बोलती है कि तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम अब दूसरों के लिए लड़ रही हो। ये सब सुनने के बाद नोल्स अपने सभी ब्लैक बुल्स के मेंबर के बारे में याद करने लगती है। कोहना बोलती है कि तुम ये कर सकती हो क्योंकि एक तुम्हारी फ्रेंड कह रही है। अचानक से नोल्स की ग्रीमोर के चार पांच पेट लड़ने लग जाते हैं और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वीटो ये सब देख के चौंक जाता है और बोलता है ये सब क्या है। नोल्स बोलती है मैं एक और बार बोल रही हूँ मेरे दोस्त को छोड़ दो। नोल्स याद करने लगती है जो भी फलकोरियन ने नोल्स से कहा होता है। नोल्स बोलती है मेरे दोस्तों को छोड़ दो। वीटो बोलता है क्या तुम राजघराने से हो। नोल्स बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं ब्लैक बोल की एक नोजल सिलवा हूँ। वीटो हंसते हुए बोलता है अच्छा, और कोहना को फेंक देता है और बोलता है नोल्स से अपनी पूरी ताकत से लड़ो, मैं तुम्हें घुटने के बल ले आऊंगा। नोल्स वीटो से कहती है तुम कहो या ना कहो मैं फिर भी लड़ूंगी। नोल्स अपना स्पेल पढ़ती है, वाटर क्रिएशन मैजिक सी ड्रैगन रोर। उस वाटर बॉल के अंदर से एक ड्रैगन का फेस निकलता है और बहुत स्पीड में वीटो की तरफ जाने लगता है। ये देख के वीटो बहुत डर जाता है। वीटो सोचने लगता है इतनी सारी ताकत इसके पास। वीटो अपने वीयर क्लॉक से उसका मुंह दबा देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, बट नोल्स हार नहीं मारती है और ताकत लगाने लगती है उसके अंदर। वीटो भी अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है बट धीरे धीरे करके वीटो पीछे जाने लगता है। तभी ड्रैगन उसको अपने मुंह में ले लेता है और लेते हुए एक दीवार से टकराते हुए जाता है और उसको जमीन से घसीटते हुए बाहर की तरफ निकाल देता है। ड्रैगन बिल्डिंग के बाहर निकलता है, सभी लोग उसको देख रहे होते हैं और शॉक हो जाते हैं। ड्रैगन रुकता नहीं है और वो जो शील्ड थी उसके आर पार हो जाता है। इस अटैक के बाद नोल्स बहुत थक जाती है और जोर जोर से हाँफना स्टार्ट करती है। फिर धुएं के अंदर से वीटो निकलता है और वो देखता है कि उसका हाथ कट चुका होता है। कैप्टन आर्मी पंडित से बोलते हैं ध्यान से देखो, नोल्स ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। पंडित बोलता है ये तो सी ड्रैगन का अवतार है। नहीं, ये तो सी ड्रैगन ही है। वीटो एक भेड़िए की तरह बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और कुछ याद करने लगता है। फिर हमें लिट्स दिखाया जाता है जो वीटो से बोलता है कि मेरे साथ आओ, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी तो क्रूअर किंगडम के लोगों को होना चाहिए, याद करो अपनी असलियत को। फिर हमें दिखाया जाता है दो लोगों की शादी हो रही होती है और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अचानक से किसी मैजिक से बहुत बड़ा सर्कल निकलता है, उसमें से बहुत सारे अटैक आते हैं और सभी एक एक करके मरना स्टार्ट हो जाते हैं। हर जगह सिर्फ लाश ही लाश होती है। ये सब याद करके वीटो की तीसरी आंख खुल जाती है। वीटो बोलता है मैं तुम सभी को मार दूंगा और जोर से चिल्लाने लगता है। वीटो की पावर से जितना भी पानी जमीन पे पड़ा था सभी भाप बन के उड़ने लगता है। वीटो की तीसरी आंख देख के नोल्स डर जाती है। वीटो बोलता है एक इंसान ने इतना सब कुछ कर दिया। वीटो अपना स्पेल बढ़ता है मैथिकल मैजिक बीस्ट। जो वीटो का हाथ कटा था उस तरफ दो चक्री आ जाती है और उधर से उसका हाथ उगना स्टार्ट हो जाता और एक बड़ा सा हाथ आ जाता है। पंडित बोलता है ये सब क्या था। कैप्टन आर्मी बोलते हैं फिर से उसका हाथ उग गया। पंडित बोलता है मुझे ये कोई हीलिंग मैजिक नहीं लगता है। कैप्टन आर्मी बोलते हैं कुछ तो अजीब है, खतरनाक। नोल्स भागो वहां से। नोल्स बोलती है भाग जाऊं, और वो मैग्ना लक कोहना सभी लोगों को देख के बोलती है नहीं। वीटो बोलता है सही फैसला लिया क्योंकि अब ये मेरी बारी है। वीटो अपना स्पेल पढ़ता है मैथिकल बीस मैजिक, फिर से वही चक्री आने लग जाती है। उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, उस ड्रैगन के मुंह में से एक पर्पल कलर की लेजर सी निकलती है। नोल्स बोलती है सी ड्रैगन मगर कुछ नहीं होता है। नोल्स बोलती है मेरा मैजिक खत्म। वो अटैक बहुत स्पीड में नोल्स की तरफ बढ़ने लगता है। नोल्स कुछ भी नहीं कर पाती है, वो उसको चीर के दीवार के आर पार निकल जाता है। कैप्टन आर्मी पंडित डर जाते हैं और वीटो हंसने लगता है। फिर धुएं हटने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे आस्था आ चुका होता है और उसने अपनी एंटी मैजिक सॉर्ट से उसे दूर हटा दिया था। ये देख के कैप्टन आर्मी बहुत खुश हो जाते हैं। आस्था बोलता है अभी तक हार नहीं हुई, अभी तक हमने हार नहीं मानी। वीटो बोलता है अभी नहीं तो कभी तो होगा, अब मैं तुम्हें असली ताकत दिखाता हूँ। वीटो की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। आस्था और नोल्स ये दोनों सब कुछ देख रहे होते हैं। नोल्स बहुत डरी होती है। तो ये एपिसोड होता है यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।